ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। वैसे ग्रेविटी पे हम लोग बाद में जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ग्रेविटी कैसे एक्ट करती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या वेरिएशन वगैरह होती है। अभी इन पे उतना ज़्यादा डिटेल्स हम लोग जाएंगे नहीं, अभी इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कहानी चल रही है, इसीलिए उससे ऐसे हम लोग इस फिनोमेना को कोरिलेट करेंगे। अभी हम लोग बिल्कुल ही ग्रेविटी को डिटेल में स्टडी नहीं करने वाले, उसके अलग से हमारे पास चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस जो जानकारी तुम्हें चाहिए चैप्टर को बनाने के लिए वो हम बता रहे हैं कि ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि भाई अर्थ जो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर फोर्स लगाती है खींचने के लिए ना, दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल कहते हैं सारे फोर्स, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले जो फोर्स होते हैं उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट में, समझो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटी की ग्रेविटी को पकड़िए, है ना, जैसे मान लो ये m1 है और ये m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो r है, तो इसके बीच जो फोर्स लगता है दोनों मास एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है विथ सम फोर्स जिसको जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर कहते हैं, दिस इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो उसके बीच लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। आई बात समझ में? लेकिन अगर इसी सिचुएशन में मान लो दोनों में से कोई एक बड़ी अर्थ हो जाए, समझो दोनों में से एक बड़ी अर्थ हो जाए और एक कोई दूसरा बड़ी है जिसका मास स्मॉल m और अर्थ का मास मान लो कैपिटल m कुछ, और दोनों के बीच मान लो सेपरेशन r रहा कोई भी, तो इस वक्त जो आप ग्रेविटेशन फोर्स निकालोगे वो ग्रेविटेशन फोर्स किसके किसके बीच आएगा? अर्थ और किसी अदर ऑब्जेक्ट के बीच, अर्थ और आपके बीच, अर्थ और मार्कर के बीच, अर्थ और सन के बीच, अर्थ और मून के बीच, एक परमानेंट ऑब्जेक्ट हो गया, कौन सा? अर्थ। तो इस केस में ये जो फोर्स का फॉर्मूला वही चलेगा, जी एम एम बाय आर स्क्वायर, फॉर्मूला वही चलेगा। तो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक तरह का क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज ग्रेविटी। आई बात समझ में? अब देखो ग्रेविटी सिर्फ अर्थ के लिए डिफाइन नहीं होगा। फिर बोलोगे सर मून का ग्रेविटी कहाँ है, बोलते हैं भाई मून में मून फिक्स हो गया और कोई अदर ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले फोर्स को ग्रेविटी, ग्रेविटी को समझने के लिए आप एक्सेलरेशन के माध्यम से भी समझ सकते हैं, वेट के माध्यम से भी समझ सकते हैं और फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग अर्थ पे रहने वाले प्राणी हैं तो अर्थ की बात करेंगे, यानी अर्थ की ग्रेविटी की बात करेंगे। जब मान लो कभी चांद के पार चलेंगे तो फिर बात करेंगे चांद की ग्रेविटी, सन की ग्रेविटी, अभी फिलहाल अर्थ की ग्रेविटी क्लियर है। ये नहीं ना कि ग्रेविटी सर सिर्फ अर्थ के लिए यूज किए हैं अभी फिलहाल, कि मून के लिए फिर ग्रेविटी यूज नहीं करेंगे। आई बात समझ? जैसे मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, अब देखो तो मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ, मून की ग्रेविटी के बारे में बात किया जा रहा है, यानी एक ऑब्जेक्ट मून और दूसरा कोई और होगा उसके बीच लगने वाले फोर्स होंगे, क्लियर है? तो ये चीजें हम लोग फिलहाल फिक्स नहीं कर रहे समझने के लिए, क्लियर है आइडिया? वेरी गुड। तो यहाँ पे ये ग्रेविटी का सेंस क्लियर हो गया। ग्रेविटी क्या होता है, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, इस पर हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लिखना ये ग्रेविटी एक्चुअल में होगा क्या, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ इसको चाहो तो लिख लो ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं और ये हमेशा किस नेचर का होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इसलिए अगर हम यहां पे नहीं लिखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जरूरी है क्या लिखना? नहीं ना, ऐसे भी तुम लोग समझदार हो, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट्स, अदर बॉडी या अदर ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को आप इन शॉर्ट ग्रेविटी से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड। ये बात ग्रेविटी हो गई, ग्रेविटी में स्टार मार्क लगा दिए ताकि आप सिचुएशन के हिसाब से इसको डिसाइड कर सके। अगला है एक टर्म आएगा आपका जिसको हम लोग कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नेक्स्ट टर्म है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो हम कुछ कुछ शॉर्ट टर्म यूज करते हैं, शॉर्ट मतलब लिखने में थोड़ा शॉर्ट बरतते हैं, लेकिन आपको इसका आदत बिल्कुल नहीं डालना है। जब आप कॉपी में लिखें, नोट्स बनाए, तो ये बिटवीन को कंप्लीट बिटवीन लिखिए, एक्सेलरेशन को कंप्लीट एक्सेलरेशन लिखिए, ऑब्जेक्टिव में आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब सब्जेक्टिव आप पेपर करेंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपको कब देना है, जब आप 12 क्लास पास कर जाइएगा, 12 में सब्जेक्टिव देना होगा 12th ना, तो आदत रहेगी तो मार्क्स कटेगा, इसीलिए
मान लो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो हम दे चुके और घी स्थान के पास भी कर गए, लेकिन तुम्हारा ख्याल हमें रखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाबू, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, जिसको आप जूनियर जी भी कह सकते हैं। हमारी जिंदगी में दो तरह के जी आएंगे, एक सीनियर जी दिख रहा है यहाँ पे, और एक होगा तुम्हारा जूनियर जी। ये जूनियर जी इज नॉन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये सीनियर जी होता है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। चर्चा इस पर अभी बिल्कुल नहीं करेंगे, चैप्टर ही इस पर पूरा पढ़ना है कंप्लीट हमें, ठीक है? समझ रहे हैं बाबू, सब लोग समझ रहे हैं ना? नाम ले लेके नहीं पूछना पड़ेगा ना? हाँ, एक साथ ही बोल दिए, ठीक है, नाम लेके भी पूछेंगे, कोई दिक्कत। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? छोटा सा आइडिया, तो ज्यादा नहीं बात करेंगे, एकदम छोटा छोटा बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? देखो, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जब भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, है ना? फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है, जैसे मान लो एक बेचारा ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, भाई यहां पे अर्थ खड़ा पड़ा है, बड़ा सा अर्थ है, गोल होता है अर्थ, अच्छा खुश, अर्थ भरा पड़ा है भाई, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? पक्का ना? तो सर हमारे घर में गेंद टंगा हुआ है, वो गिर ही नहीं रहा है, टंगा हुआ है ना, छोड़ने नहीं दे रखा है। यहां पे देखो है क्या कि ये जो सिचुएशन है ना, इन केस ऑफ फ्री फॉल, इसको कहते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? फॉल फ्री, फ्रीली फॉलिंग। फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल स्टेट में तब कहा जाता है जब वो गिर रहा हो और गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल। फ्री फॉल का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रही है और उसे गिराने के लिए, फॉल मतलब गिरना ही होता है ना, हाँ, तो गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ अगर अर्थ हो, मतलब उसको, जैसे मान लो तुम पकड़ के खींच रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो पैर पकड़ के किसी को गिरा रहे हो, तो वो फ्री फॉल नहीं कहलाएगा। फ्री फॉल होगा कि तुम बस छोड़ दो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को छोड़ दो और वो गिर रहा है, लेकिन गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ अगर अर्थ होगा, उस केस में ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कहा जाता है। आई बात समझ में? फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि अर्थ के ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में या अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट जब गिरती है, दिस फिनोमेना इज नॉन एज फ्री फॉल। और हम लोगों को फ्री फॉल वाले केस में ये पढ़ना है, ठीक है? मतलब अदर कोई फोर्स नहीं आएगा, ठीक है? थोड़ा सा एयर रेसिस्टेंस वगैरह के बारे में हम लोग बात कर लेंगे इसी में थोड़ा सा, लेकिन फिलहाल हम लोगों को क्या करना है, फ्री फॉल के बारे में बात करनी है। तो भाई मान लेते हैं कि इन दोनों के अलावा कोई नहीं है आसपास, है ना? अगर कोई होगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बोलोगे तीसरा, हम तो बड़े खड़े खड़े देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट और हमारे बीच भी फोर्स लग रहा है, हमारे और अर्थ के बीच भी फोर्स लग रहा है। तो देखो, इनके बीच लगने वाले फोर्स किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? इनका मास, इनका मास और इसके बीच का डिस्टेंस, और जी बेचारा कॉन्स्टेंट है। बोलो, जी कैपिटल एम स्मॉल एम और आर, इनके बीच का डिस्टेंस। हमारे आने से क्या इसका मास बदला? हमारे आने से इसके बीच का डिस्टेंस बदला? हमारे आने से जी का वैल्यू बदलेगा? तो भाई हमारे आने से इसके बीच लगने वाला फोर्स क्यों बदलेगा? नहीं समझे? इसीलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आप सर उसके पास जाएंगे तो फोर्स डिस्टर्ब हो जाएगा उन दोनों के बीच, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है, नहीं होता है। आई बात समझ में? तो तुम्हारे अब्सेंट या तुम्हारे प्रेजेंट से, ये बात बाद में ग्रेविटेशन हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, प्रूफ भी कर देंगे आपको कि तुम्हारे अब्सेंस या तुम्हारे प्रेजेंट से इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो भाई इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा तो भाई एक्सेलरेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जब इसको अपनी ओर खींच रहा होगा तो भाई ये लगाया इस पे फोर्स कितना? जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। इस फोर्स की वजह से भाई इसमें वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं? एक्सेलरेशन आएगा, आएगा ना? इस वजह से इसमें एक्सेलरेशन आएगा। और बताओ ये एक्सेलरेशन का, जैसे ए बराबर जी यहां पे हुआ, ठीक है, साइन वेन के बारे में बात करेंगे। यहां पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है? अर्थ की वजह से प्रोड्यूस हुई है, मतलब ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हुई है, इसीलिए इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक ही तो बात है, लिखा हुआ है डेफिनेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन। किसकी ग्रेविटी की बात कर रहे हैं? अर्थ की, इसलिए अर्थ का एक्सेलरेशन आएगा, मतलब अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। जब यहां पे मान लो मून होगा तो मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, जब सन होगा तो सन का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। ये जी का वैल्यू क्या होता है कि भाई अर्थ के सरफेस पे होता है कॉन्स्टेंट,
जी का वैल्यू क्या होता है, जी का वैल्यू होता है तुम्हारा कॉन्स्टेंट फॉर द सर्फेस ऑफ अर्थ। वेरिएशन देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी फिलहाल आपको देख लीजिए कि ये जी का वैल्यू जो होगा, जी क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कंडीशन समझ में आया। इसका वैल्यू होता है, ये होता है 9.8, क्योंकि एक्सेलरेशन है इसलिए यूनिट क्या कैरी करेगा ये बाबू, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं फॉर द सर्फेस, यानी एट सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे ये जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कैलकुलेशन अभी हम लोग फिलहाल नहीं करेंगे, डेरिवेशन इस पे करना है लंबा चौड़ा, समझ रहे बात को, वेरी गुड, ठीक है, बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कहां कभी कभी क्वेश्चन बनाने में इसके अदर यूनिट्स भी यूज होते हैं, जैसे कन्वर्जन वगैरह, वैसे तुम्हें पता है अगर हम सिंपल सेंटीमीटर देखना चाहें तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्लियर है, 980 सीजीएस में अगर लिखना चाहे तो कुछ मीटर बस बदलेगा, सेंटीमीटर में सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, इसलिए एक जीरो कटा, एक जीरो आ गया, 980 हो गया, बताने की ऐसे भी कोई आवश्यकता थी नहीं, समझ रहे बाबू, छोटा छोटा बात है इसलिए हम थोड़ा स्पीड में खींच रहे बाबू। हाँ एक बात और देखिएगा, इसमें ध्यान ये रखना है तुम्हारा, ठीक है, तो ये जो फ्री फॉल करवाना है कहां से करवाना है, ले गए सन से उठा के फेंक दिए, ना भाई ना, मून से फेंक देंगे फ्री फॉल होगा, चलो कोई बात नहीं, मून से अर्थ की ग्रेविटी में मान लो फेंक देंगे। याद रखिएगा कि गिराना ऑब्जेक्ट को कहां से है, ज्यादा ज्यादा तुम अपने छत से गिरा सकते हो, चलो तुम मान लो अमीर आदमी हो, तुम्हारे पास 10 फ्लोर वाला बिल्डिंग है, वहां से गिरा सकते हो, बोलोगे सर मून से गिराए तो फ्री फॉल नहीं होगा वहां पे, ठीक है, कहानी बदलेंगी, इसीलिए कंडीशन ये है कि भाई फ्री फॉल तब आप करवा सकते हैं, कब, जब ये जो आर है, मतलब ये जो आर है, आई बात समझ में, वो मच मच लेस देन क्या हो, आर को हो या आर, समझ रहे ना, कैपिटल आर के। अब ये कैपिटल आर क्या है, बस बता रहे, लिखा नहीं रहे, ये आर और ये आर, अगर बार बार दो दो आर लिखे ना तो कंफ्यूज नहीं करना, आपको ये एच भी लिख सकते हैं, एच हाइट, चलो बुरा लगेगा तो एच लिख लो, अब खुश, ठीक है। देखो हम चाहते हैं कि आपको हल्का सा भी बुरा ना लगे, इसलिए छोटी छोटी बातों का ख्याल हम रख रहे हैं। एच क्या है, हाइट अबव द अर्थ सरफेस, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब आपको ध्यान इस बात का रखना है फ्री फॉल करवाने के लिए, अगर मान लो किसी को कभी कहीं से फेंकने का मन करे फ्री फॉल के केस में, तो आपको इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि 6400 किलोमीटर, आर का वैल्यू कितना होता है, कैपिटल आर का, अर्थ का रेडियस होता है, ये आर क्या है, अर्थ का रेडियस है, तो 6400 किलोमीटर से बहुत वैल्यू कम होना चाहिए, बहुत मतलब 100 किलोमीटर फेंक लो, 100 किलोमीटर भी थोड़ा इरिस्पेक्टिव है, 200 मीटर 300 मीटर 2-3 किलोमीटर से फेंक लो, ज़्यादा ज़्यादा हिमालय से फेंक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हिमालय से 8 किलोमीटर के आसपास है ना, अगर आप हिमालय पर्वत से भी फेंकोगे ना तो फ्री फॉल वाला ही केस आएगा, क्लियर है, चल देगा इतना, क्योंकि 8 किलोमीटर 6400 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में चलेगा थोड़ा, आई बात समझ में, बिल्कुल। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो H होगा वो R से लेस होना चाहिए, लेस नहीं बहुत कम होना चाहिए, मच मच लेस देन, क्लियर है, तो फिर आपको फ्री फॉल करवाएगा। तो ज्यादा हम लोग बात नहीं कर रहे डिटेल्स में, उसके बाद भाई एक चीज और देखिए, एक बात आप और ध्यान रखिएगा, इन दी नोट करने वाली बात यह है कि पहली बात कि इफ एच इज मच लेस देन आर एंड एयर अब्सेंट हो, मतलब हम लोग ज्यादा हाइट पे नहीं जा रहे और एयर हमारे पास है नहीं, तो आप उस केस में एक ऑब्जेक्ट है जो बड़ा साइज का है, जिसका मास मान लो कैपिटल मान लो m है, m1 है, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम भी कम है और मास भी मान लो कम है, जरूरी नहीं कि वॉल्यूम कम तो मास कम होगा, पता है नहीं बात, जैसे लोहा का इतना छोटा गेंद और मान लो लकड़ी का इतना बड़का गेंद, वुड का, तो वुड का गेंद का डेंसिटी मतलब वो हल्का होता है लेकिन मास उसका मास कम हुआ लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है, तो ये समझ रहे हैं, जरूरी नहीं है, छोटा छोटा कंफ्यूजन नहीं पालना है, बस हम यहाँ पे जो समझाना चाह रहे हैं उसे समझिए। अब है क्या कि इसको तुमने क्या किया, सेम हाइट से, समझना, सेम हाइट से नीचे गिरा दिया,
आई बात समझ में? सेम हाइट से आपने नीचे गिरा दिया सेम टाइम में, एट टी बराबर जीरो, टाइम बराबर जीरो, और ये जो हाइट है सेम हाइट पे, ठीक है, और नीचे कौन है आपका? अर्थ है, ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। तो ये सेम हाइट एच, ये भी गिरा और ये भी एच गिरा, ठीक है, सेम हाइट से मास अलग अलग है, वॉल्यूम अलग अलग है, ज्यादा ऊपर से नहीं फेंके, एयर रेसिस्टेंस वगैरह नहीं है। तो भाई यहां पे गिरने में ये ऑब्जेक्ट अगर टी टाइम लेगा, ये ऑब्जेक्ट भी उतना ही समय लेगा। कौन बोला ये? गैलीलियो बोला था। आई बात समझ में? दिखाया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था, लेकिन ये बहुत छोटा होना चाहिए। हालांकि ऐसा सच में नहीं होता है, क्यों? क्या सच में हमारे पास एयर नहीं है? बिल्कुल है, इसीलिए थोड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन फिजिक्स में कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर है। ये बिल्कुल एयर गायब कर दो, ये कम रखो, गिरा दो, मास कोई भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण जानना चाहोगे क्यों ऐसा होता है? आइए कारण भी थोड़ा सा बता दे। ये क्या ड्रॉ किया समझ गए ना? लिखना पड़ेगा क्या इसको? नहीं लिखना पड़ेगा, ये सब बात लिखते नहीं है, सब बात लिखवा रहेगा, कॉपी कोई पढ़ लेगा, समझ में आ जाएगा, और समझ में आएगा तो फिर नुकसान हमारा होगा ना। एकदम कोड वर्ड में लिखना है। देखो काम की बात बताए थे। देखो होता क्या है भाई, अर्थ का मास फिक्स है और अर्थ जो जी लगाती है सरफेस सर, वो फिक्स है। आई बात समझ में? बोलो। तो भाई इसके लिए भी जी का वैल्यू वही, इसके लिए भी जी का वैल्यू वही, भाई दोनों के लिए जी का वैल्यू तो सेम ही लग रहा है। हाँ, ये वेरिएशन कब आता? जब दोनों में जी अलग अलग लगता। और बोलोगे सर इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, जी का वैल्यू अलग अलग होना चाहिए। नहीं होता है, क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। जी का फॉर्मूला नहीं पता है तो कोई बात नहीं, क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा, जी इक्वल टू जी एम बाय एच स्क्वायर होगा। ये जी सीनियर जी, कॉन्स्टेंट मास ऑफ अर्थ, और ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम। तो भाई मास ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या आपको? मास ऑफ बॉडी दिख रहा है क्या? तो ये जी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। आई बात समझ में? सब बात समझ रहे हैं आप लोग? इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास, कहीं कोने में लिख लो मास ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये जो जूनियर जी होता है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मास से इंडिपेंडेंट होता है। जूनियर जी क्या होता है? ऑब्जेक्ट के मास से इंडिपेंडेंट होता है। तो 10 केजी का ऑब्जेक्ट हो या 50 केजी का ऑब्जेक्ट हो, फॉर्मूला देखो ना, वहां पे फॉर्मूला बता रहा है भाई, 50 केजी का ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तब भी वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ही गिरेगा, 5000 केजी के ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तब भी वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही गिरेगा। भाई फोर्स लगाने वाला अकेला अर्थ, अर्थ पे फोर्स लग रहा है, जी प्रोड्यूस हो रहा है सेम, तो भाई सीधी सी बात है वो सेम टाइम में गिरेगा। हाँ, ये जी अगर अलग अलग होता तो फिर दिक्कत होती, तो फिर प्रॉब्लम आता, टाइम में वेरिएशन आता। क्लियर है? ज्यादा बात अभी नहीं करना है, मतलब इसमें और जब भी हम ये बोले कि ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे, इसका मतलब इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं बताने लायक, समझ रहा है ना? हाँ, शॉर्ट में जितना हम हो सके बता रहे हैं आपको ग्रेविटी के बारे में, ताकि आपको पूरा मैकेनिज्म क्लियर हो जाए, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें हम कभी कभी यूज कर लेंगे सवाल को बताने वक्त, इसलिए बताना हमें पड़ेगा ही, समझ रहे बाबू? वेरी गुड। तो ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट होगा और सेम टाइम में गिरेगा। आई बात समझ में? बिल्कुल। यहां पे अगर चाहो तो लिख सकते हो फॉल विथ, फॉल विथ द सेम टाइम, फॉल विथ सेम टाइम, फॉल इन सेम टाइम की विथ कैसा रहेगा? फॉल इन सेम टाइम, फॉल विथ सेम टाइम, फॉल इन सेम टाइम, सेम टाइम में गिरेगा। क्या क्या सेम होना चाहिए समझ गए? दोनों को सेम हाइट से गिराओ, मास अलग अलग हो, वॉल्यूम अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गिराओ, ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, बस। क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जी के बारे में काफी इंफॉर्मेशन आपने सीखा। आइए हम लोग अब मेन कंसेप्ट पे आए, ठीक है, बहुत सुंदर। अब देखो हमें क्या करना है, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ना है, मोशन अंडर ग्रेविटी इन केस ऑफ फ्री फॉल। तो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन जितने सीखे हमने वो सारे लगाने हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसी को हमें थोड़ा स्पेशलाइज्ड करना है ग्रेविटी के मोशन के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो भाई मोशन हो क्या क्या सकता है, सुनो सुनो, मोशन क्या हो सकता है भाई, या तो ऑब्जेक्ट को छोड़ो नीचे गिरे, या ऑब्जेक्ट को नीचे फेंको। फेंकने वाला केस आपके सिलेबस में कम है लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना और ऑब्जेक्ट को थ्रो करना अलग अलग बात है। फील कर पा रहे हो ना, जैसे किसी चीज को तुम ड्रॉप कर दो वो गिरने में मान लो 5 सेकंड का समय लगा, अगर उसी चीज को तुम थ्रो करोगे तो गिरने में ज्यादा समय लगेगा कम समय लगेगा, कम समय लगेगा, तो फर्क है ना बात में, वो फर्क भी हम लोग समझेंगे। दूसरा ये तो हुआ कि देखो नीचे गिर रहा है, दूसरा ऊपर फेंक करे है, ऊपर ड्रॉप नहीं होता है, हाथ में रखोगे ड्रॉप नहीं ना होगा, कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तो ऊपर हमेशा थ्रो ही करना पड़ेगा आपको। और ये जो मोशन, क्या ये मोशन ग्रेविटी का अलाउ होगा ऐसे फेंकेंगे? हाँ, फिर ऐसे फेंकोगे तो बात आएगी अगले चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन। आई बात समझ में? जब हॉरिजेंटल ये होता है, ये जो लाइन होता है, दिस लाइन इज नोन एज हॉरिजेंटल, या दिस मोशन इज नोन एज हॉरिजेंटल मोशन, हॉरिजेंटल मोशन। तो हॉरिजेंटल मोशन तो हमने अभी पढ़ रहा, मोशन स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ा हमने, सीधा सीधा, तो कार रोड पे चली ना, हॉरिजेंटली चली, क्या कार आसमान में उड़ रही थी? नहीं, अब की बार उड़ानी है, मतलब रॉकेट उड़ाना है तुम्हें, तो ये मोशन कहलाएगा वर्टिकल मोशन। क्लियर है? तो मोशन अंडर ग्रेविटी में तुम्हारा वर्टिकल मोशन होगा, और वर्टिकल मोशन में दो केस आएंगे, या तो वर्टिकली अप या तो वर्टिकली डाउन। आई बस समझ में? तो हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल मोशन, और वर्टिकल में आपके पास दो आने वाले हैं, एक या तो ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, या तो एक नीचे आ रहा है। समझ रहा है? अरे गजनी कहाँ है, परेशान है, क्या हुआ वो रोशन ने, इसलिए तुमको तो रोशन से क्या मतलब, दोस्त पहचानता है ना रोशन को? हाँ याद आ रही है क्या? ठीक है। तो आपका जो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा वो कैसा होगा, वर्टिकल मोशन होगा ये पक्का, ठीक है। ये मोशन कैसा होने वाला आपका, वर्टिकल मोशन। इस मोशन को क्या कहेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला वर्टिकल मोशन। और वर्टिकल मोशन में हमारे पास दो तरह के मोशन आने वाले हैं, एक होगा वर्टिकली अप और एक होगा वर्टिकली डाउन। एक मोशन होगा आपका वर्टिकली अप, ठीक है, और एक होगा हमारा वर्टिकली डाउन। और इसमें फिर हम लोग बात करेंगे वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन में, फिर अलग अलग केस। क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो यहां पे तुम्हें क्या करना है, एक चीज और ध्यान में रखनी है, क्या भाई, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर, यूनिवर्सल ट्रूथ भाई, सिंपल सी बात, वेक्टर क्वांटिटी है तो प्लस माइनस वाली मैटर एक्सेलरेशन के साथ होने वाली है, बिल्कुल। और आपको पता है कि अगर मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा हो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होगा, और मोशन के डायरेक्शन के अलोंग लग रहा हो तो पॉजिटिव होगा, हम लोगों ने ये सीख रखा है। तो भाई सीधी सी बात है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को हमेशा अपनी ओर खींचता है कि कभी कभी तुम्हें उठा के फेंक भी देगा, ऐसा कभी नहीं करेगा अर्थ। इसीलिए पता है अर्थ को माँ का दर्जा दिया गया है, भारत मतलब भरती माता, पता है ना, लड़का कितना भी नालायक क्यों ना हो, बाल बच्चा कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो जाए, आई बात समझ में, किसी के भी माता पिता जो होते हैं वो उसको बोलता है कि मेरा बच्चा नालायक है या तुमको भगा देंगे घर से, फिल्मों में थोड़ा बहुत होता है, तुमको तो भगा नहीं देना चाहिए, तुम्हें तो बेदखल नहीं कहते हैं, कर देना चाहिए, नालायक की कैटेगरी से तुम ऊपर हो, समझ रहे हैं? हाँ, आई बात समझ में? ठीक है, सप्तशती मसलोक भी है कि नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है कि बाल बच्चा नालायक हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माँ कुमाता नहीं हो सकती, नहीं मतलब जो माता है वो कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है, समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल, पिताजी कभी कभी हो जाते हैं लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। तो भैया धरती माता कभी भी कुमाता नहीं होगी, इसका मतलब ये हुआ कि सीधा भाई लड़का 10 kg का हो, 50 kg का हो, नालायक हो, कोई भी हो, इरेगुलर शेप का हो, हर लड़का को वो अपनी गोद में समाएगा, हर लड़के मतलब हर बच्चे को अपनी ओर खींचता है, कभी भी रिपेल नहीं करेगा। तो इसका मतलब अर्थ फोर्स किधर लगा रहा है, नीचे। तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे, फोर्स के अलोंग होता है, सिंपल सी बात है, फोर्स के डायरेक्शन में ही जी ए का डायरेक्शन होता है हमेशा, ठीक है। जैसे जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने मतलब फोर्स को पीछे लगा रहे, एक्सेलरेशन पीछे लगता है, जिसको रिटार्डेशन कहते हैं, समझ रहे बात को? वेरी गुड। इसीलिए जी का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। आई बात समझ में? अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचती है हमेशा, ठीक।
तो इसलिए सेंटर ऑफ अर्थ यानी हमेशा जी का वेल जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, हमेशा डाउनवर्ड होगा। अब अगर मान लो तुम चाहते हो कि हम ऊपर उड़ चले, है तुम्हारा मोशन किधर है, ऊपर की तरफ, तो भाई जी के अपोजिट की जी के अलाउ, जी के अपोजिट हो रहा है तो जी तुम्हारे लिए नेगेटिव होगा, मतलब जी तुम्हें अपोज करेगा। और अगर मान लो तुम नीचे कूदना चाहते हो, मान लो छत से कभी कूदने का मन किया, तो याद रखना कि जी तुम्हें सपोर्ट करेगा, इस चक्कर में मत रखना धरती माता है सर कूद रहे हैं बचा लेगी जी ऊपर लगा देगी ना, पता है कि धरती माता क्या करती है हमेशा जी नीचे लगाती है, इसलिए ज्यादा इमोशनल नहीं होना है और कभी भी छत से खलांग नहीं लगानी है धरती माता के भरोसे जी चले जाओगे फिर। आई बात समझ में? तो जी का साइन और जी का साइन जो होगा वो डिसाइड कौन, मतलब कौन करेगा मोशन। अगर मोशन ग्रेविटी के अलाउ हो रहा है तो पॉजिटिव जी होगा और अपोजिट हो रहा है तो नेगेटिव होगा। समझ गए बात को? जैसे अगर यहीं पे तुम चाहो तो लिख सकते थे आराम से, चलो कोई बात नहीं, वर्टिकल यहीं पे बता देंगे अप का मतलब और डाउन का मतलब। आइए वर्टिकली आपको समझे, यहीं पे समझ ले क्या अलग से समझे, चलो डिटेल्स में करना होगा हमको तो छोटी बात है। तो वर्टिकली पहले डाउन चले जाते हैं, अच्छा रहेगा, अप में और भी कहानी होंगी। वर्टिकली डाउन, वर्टिकली डाउन करते हैं लोग, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट को पहले नीचे गिरा रहे हैं। डाउन मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड भी कह सकते हैं आप इसे, समझ रहे हैं? डाउन कहो या डाउनवर्ड कहो, वर्टिकली डाउनवर्ड एक ही बात है। अब भाई डाउनवर्ड करने के लिए आपको क्या करना होगा, मोशन डाउनवर्ड करवाना है, चलें छत पे और छत से लगाएं छलांग। ये मान लो टावर है जहां से तुम्हें कूदना है, पक्का ना? चलो एक ऑब्जेक्ट है, नहीं ले चलते टावर, पता नहीं तुम लोग इमोशनल हो गए, सीरियस ले लोगे हमारी बातों को, और रिकॉर्डिंग में हो रखा है, पता चला जेल में गए हम। गेंद को गिराना है, आप मान लो कुछ हाइट से चाहते हैं कि गेंद को नीचे गिराए। अब ये हाइट कहाँ से डिसाइड होगा, हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस लेना है अर्थ से, आई बात समझ में? हमेशा जो वर्टिकल डिस्टेंस समझता हो ना, सीधा सीधा वाला डिस्प्लेसमेंट वाला डिस्टेंस हमेशा। अब बोलोगे सर हम छत पे गए ऐसे 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 करके छत पे गए, तो ये डिस्टेंस हुआ, और कितना छत का हाइट है ग्राउंड से वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये वाला जो वर्टिकल हाइट होता है, जैसे समझो ये क्वेश्चन वगैरह करना है हमें, जैसे मान लो ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, और ये मान लो 2 मीटर है और यहां तुम्हारा छत है, ठीक है? नहीं यहीं पे पहुंचना है तुम्हें, 2 मीटर है और ये 2 मीटर है। अब बताओ वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, 2 2 4 2 6। बोलोगे सर यहाँ पे तो सब सब 2 लग रहा है, समझ रहा है बात को? भगवान की दया से हमेशा ये कम होता है, बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो बड़का बड़का सीढ़ी बनाओगे, तो जैसे मान लो 2 मीटर का ये सीढ़ी बनाया और ये सीढ़ी बनाया तुमने 3 मीटर का, तो गलती किसकी है, इंजीनियर का है ना, तुमने देखा होगा ना, तो ये गलती आप भुगतना तुम्हें पड़ा है 3 3 6 3 9, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन ऐसा सच में थोड़े होता है, होता है क्या? टेक्निकली ये बात सही लग रहा है तुम्हें, इलॉजिकल नहीं लग रहा है, छोड़ो। तो ये जो डिस्टेंस तुमने लिया है, ये वाला, ये और ये, दिस इज नॉन एज वर्टिकल। तो हमेशा हमें क्या लेना है, वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में बात करनी है, समझ गए प्यारे बच्चों? वेरी गुड, इसी तरह समझते रहिए जल्दी जल्दी, सब बच्चों को लग रहा होगा कि हम समझ रहे हैं। घर जाके जब कभी याद आती है पढ़ने का, कॉपी देखते हैं पलट के पता चलता जा आज क्लास में क्या हुआ था, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता ही होगा। मान लीजिए एच हाइट से आपने क्या किया, इसको कहते हैं ड्रॉप करना बाबू, ठीक है? इसमें केस हम लोग क्या चल रहे हैं, ड्रॉपिंग वाला, ड्रॉप करेंगे इन केस ऑफ ड्रॉपिंग, थ्रो भी करेंगे चिंता मत करो, पहले ड्रॉप करवा लेते हैं। ड्रॉप करने के केस में क्या होगा भाई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है? एच हाइट से गिर रहा है तो बताओ जी नेगेटिव का पॉजिटिव, बिल्कुल, क्योंकि आप जब कूद रहे हैं तो जी आपको सपोर्ट कर रहा है नीचे गिराने में। इस केस में जी का साइन क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। तो जब भी वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन हो तो जी आपका पॉजिटिव होगा। क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है जी, पॉजिटिव लग रहा है। और मान लो आपने एच हाइट का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो भाई तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद है कि नहीं है? बिल्कुल याद है ना। आइए क्वेश्चन में लिख देते हैं, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसके बाद यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। बहुत बढ़िया। चलिए इसके लिए हमें क्या क्या मिल गया, इसके लिए हमें u मिल गया कितना, इस केस में ड्रॉप के केस में क्या होगा, u मिल गया, a कितना मिला प्यारे बच्चों प्लस g, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, s बराबर कितना हो गया स्मॉल h। ठीक है, कभी कभी हम कैपिटल h भी यूज करेंगे, अभी जानबूझ के स्मॉल कर रहे हैं क्योंकि h कैपिटल हम लोग h मैक्स के लिए यूज करेंगे, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे वही होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मान लेते हैं h है। ठीक है, और कुछ चाहिए क्या, टाइम कितना समय लगा, कोई दिक्कत नहीं, वो सब निकालेंगे। चलिए लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, लगाए तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा इसके लिए, भाई v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना रे, तो v कितना है, v कुछ होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इस पॉइंट बोलोगे ग्राउंड पे पहुंचने के बाद v जीरो नहीं होता है, ग्राउंड पे पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट रुकती जरूर है लेकिन उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। कारण क्या है, कारण यह है कि ग्राउंड पे पहुंचने से जस्ट पहले वाली वेलोसिटी हम ले रहे हैं होते हैं, एकदम जस्ट रीचेस द ग्राउंड, ये कौन सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी कब, जब ग्राउंड पे पहुंचा तब की, ना भाई, ग्राउंड से पहुंचने से एकदम टनीटो ऊपर वाली वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ये, क्यों, क्योंकि ग्राउंड पे पहुंचने के बाद ये तो रुक जाती है, और आपको पता है कि रुकने वाली वेलोसिटी फाइनल जीरो होती है, तो भाई रुकने की बात ही नहीं कर रहे हम, ग्राउंड वाले हाइट तक, जैसे मान लो यहां से ग्राउंड हटा दो और ग्राउंड वाले हाइट तक पहुंचे, अब बताओ ग्राउंड अगर नहीं होगा तो क्या यहाँ पे ये रुक जाएगी, नहीं ना, तो भाई इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगी ना, बस वही वेलोसिटी हम लोग बात कर रहे हैं, समझ रहे ना बाबू, सुमित दीपक हम बोले थे बीच बीच में नाम लेके भी बोलेंगे, कभी कभी बच्चा बुरा मान जाता है सर मेरा नाम ने पूछ लेके पूछे, हम नहीं समझेंगे, जाइए। यू कितना हो जाएगा बाबू, यू जीरो हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या रखोगे प्लस जी, मतलब प्लस लिखना जरूरी है नहीं ना, v इक्वल टू जी टी, v इक्वल टू क्या होगा जी टी, बहुत बढ़िया, तो v इक्वल टू जी टी आया। चलो पहला इक्वेशन समझ में आया, वेरी गुड। दूसरा इक्वेशन क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बोलो s की जगह पे क्या रखोगे h, आप चाहे तो कभी कभी y भी देखते होंगे, y क्यों रखता है पता है, क्योंकि y के अलॉन्ग वाला है ना वर्टिकल, ये वर्टिकल है ना, इसलिए कभी कभी y प्लस y माइनस y भी रखते हैं। ठीक है, वेरी गुड। हाँ एक बात और, वर्टिकल और हॉरिजेंटल फिक्स नहीं है कि यही वर्टिकल होगा, नहीं समझे बात को, ये कोई गारंटी नहीं कि वर्टिकल यही है, ये तुम्हारी इच्छा, मतलब जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल होता है लाइन वो तुम्हारे मन पे डिपेंड करता है, तुम किधर लेना चाहते हो, मानोगे कि सामने आकाश है, मतलब आई बात समझ में, तो ये हो गया अर्थ, तो हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी ये हो रहा है, नहीं समझे, तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस तुम्हारे चॉइस पे है, लेकिन जब हम लोग समाज से बाहर थोड़े हैं, देखो समाज वाली बात कहने का मतलब ये हुआ कि जब वर्टिकल ऊपर नीचे वाला होता है तो लीजिए ना क्या जाता है आपका, है ना, लेने का आप इधर भी ले सकते इधर भी ले सकते, तो भाई वर्टिकल को हम लोग ऐसे ही मानते हैं, शुरू हो गया बीच, तो वर्टिकल हमेशा ऐसे ही मानेंगे क्या जाएगा हमारा, है ना, हॉरिजॉन्टल ऐसे ही मानेंगे, मानने में कोई दिक्कत नहीं, आप किधर भी मान सकते हैं, हम लोग ऐसे ही मानेंगे, ठीक, इसलिए बोले कि हम लोग समाज से बाहर नहीं, मतलब जो सब लोग मानते हैं वही हम लोग भी मान लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो h हो गया ये, u तो जीरो, मतलब u गुना t भी तो जीरो हो जाएगा, हाफ a का वैल्यू g प्लस में, इसीलिए यहाँ पे प्लस, नहीं तो माइनस रहता तो माइनस लगता g, और टाइम t है। ठीक है, आई बात समझ में, बोलो रे, वेरी गुड। ये कौन सा टाइम है, ये टाइम गिरने में जो समय लगा है, ये मान लो गिरने में टाइम कितना लगा है, टी टाइम लगा है, और ये हो गया टी बराबर जीरो, समझ गए, और ये टी बराबर टी हो गया, तो इनिशियल टी बराबर जीरो का बार बार हम बोल रहे, टी बराबर जीरो का मतलब इनिशियली इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी जीरो। छापना चाहोगे छाप लो, एक इक्वेशन और लिख देते हैं, तीसरा इक्वेशन भी लिख देते हैं, तीसरा क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो v u तो जीरो हो गया, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 2gh, मतलब v इक्वल टू क्या हो गया स्क्वायर रूट 2gh, 2gh, चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो तुम, या ऐसे रहने दो क्या जाता है,
समझ गए, वेरी गुड। छापना चाहते हैं तो छाप लीजिए। देखो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा बन गया, आई बात समझ में। और हमने आपको इसे लिखने के तरीके भी बताए थे, तीन नहीं छह फॉर्मूले बनेंगे। टाइम का दो फॉर्मूला बनेगा लिखने सिखाए थे, एच का दो फॉर्मूला बनेगा और वी का भी दो फॉर्मूला बनेगा। ये हम सिखा चुके हैं आपको शुरू में कैसे बनाते हैं, तो हम ये बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, उसे समझ लीजिए, ठीक है। एक या ये जो टाइम है, ये कौन सा टाइम है, गिरने वाला सिर्फ टाइम है ना, ये जो टाइम है, ये टाइम क्या हो रहा है, सिर्फ गिर रहा है। इसीलिए इसे आप कभी कभी, ये वर्ड अगर आपको एग्जाम में मिले या क्वेश्चन पेपर में मिले कि टाइम ऑफ गिरने वाला, इसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ये क्या होता है, डी ई एस नहीं सी ई एन टी होता है, डी एस ई एन टी, अच्छा चलो तथास्तु, एस ई एन टी, टाइम ऑफ डिसेंट। आई बात समझ में, टी डी शॉर्ट से डिनोट कर देंगे, ये होता है टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, आई बात समझ में। और दूसरा ये जो एच होता है, जब आप किसी हाइट से छोड़ेंगे अर्थ पे गिरेगा, समझ रहे हैं, ये होता है मैक्सिमम हाइट ट्रेवल। और ये टर्म क्या होता है, मैक्सिमम एच मैक्स अगर कहीं मिलेगा तो ये समझना है तुम्हें, ये एच मैक्स क्या होता है, आपने ड्रॉप किया और उन्होंने कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब हुआ कि पार्टिकल को जहां से छोड़ा और अर्थ पे गिरा वाला डिस्टेंस, और एच की बात रेंडम कहीं पे भी, यहां पे रुक दी तो एच कितना हुआ, ये मैक्सिमम हाइट अटेंड नहीं होगा, समझ गए बात को, बिल्कुल। ये क्या है, एच मैक्सिमम हाइट अटेंड, और दिस टी इज नॉन एच टाइम ऑफ, यहां पे जो भी टाइम यूज हुआ है वो आप इसे टाइम ऑफ डिसेंट के तौर पे भी याद रख सकते हैं। लेकिन टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, ये क्या होगा, जब दोनों चीजें कब कंक्लूड होगी, जब आप एट सरफेस पे पहुंच जाएंगे, जब आप किसके सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, जब आप अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाएंगे तब ये टाइम टाइम ऑफ डिसेंट कहलाता है और ये टाइम मैक्सिमम हाइट कहलाता है। कहानी खत्म, ये वाली कहानी हम लोग बात काफी है, अब जब भी आएगा जो आएगा क्वेश्चन में समझेंगे। छापियो, देखो वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन में ही, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन में ही आगे कंटिन्यू है, लिखना है आपको कि अगर कोई बॉडी, इफ अ बॉडी जो वर्ड यूज होता है इज, देखो प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड मतलब प्रोजेक्ट किया गया, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्टाइल हो रहा है, प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सम, प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी से, आप यू कह सकते हैं, यू इसको हम लोग कहते हैं थ्रो, नहीं जो आप इन शॉर्ट इसको कह सकते हैं, थ्रो भी कह सकते हैं इसको, ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, थ्रो डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, थ्रो मतलब, थ्रो का स्पेलिंग T H R O U G S ना, अच्छा सर W T H R O W, गलत लग रहा है, सही है टी एच आर डब्ल्यू, थ्रू इतना ही होता है बस, जी या एच कुछ नहीं होता है, यू, अच्छा ये थ्रू ठीक है ना, हाँ टी एच आर ओ डब्ल्यू, अच्छा बोर्ड पे लिखने इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है ना, थ्रू वर्टिकली, ये थ्रू वाला केस आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, सब आदमी सोच रहा होगा कि अंग्रेजी इसका इतना अच्छा भी नहीं है, सच में नहीं है, यह बात हम भी मान रहे हैं, इसलिए बोले स्पेलिंग अपना देख लेना थोड़ा बहुत, जहाँ दिक्कत हो हमें बता देना, ठीक है। थ्रो वर्टिकली डाउनवर्ड, थ्रो का वैसे हमें पता था, कॉपी पे लिखते तो फ्लो में लिखा चला जाता है, ग्रामेटिकली मिस्टेक है ये, बोलो ना अंग्रेजी स्पेलिंग मेरा अच्छा नहीं तो ग्रामर कहाँ से अच्छा होगा, तथास्तु, खुश और कुछ करे मैं ना, वाह ठीक है। विथ इनिशियल वेलोसिटी तो क्या होगा, मतलब ये होगा कि देखो ऑब्जेक्ट गिर रहा है नीचे, लेकिन अब की बार क्या होगा, अब की बार u0 नहीं होगा, और कहानी एकदम बिल्कुल रिपीट होगी, बिल्कुल h पे पहुंच गए, ग्राउंड पे पहुंचने के बाद ये ग्राउंड हो गया, h डिस्टेंस ट्रेवल होगा,
है ना, और जी अभी भी पॉजिटिव होगा एट टी बराबर जीरो पे, और ये टी बराबर टी पे पहुंच गया। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगेगा, बस इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं ठीक है, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरा क्या लग जाएगा, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा लगेगा आपको वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ये लग रहेगा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जब आप थ्रो कर रहे हो डाउनवर्ड, उस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। एक क्वेश्चन करवाएंगे, जब क्वेश्चन चलेगा तो सीधा क्वेश्चन करवाएंगे, कंसेप्ट कर लेते हैं खत्म आज। हमारा दूसरा केस क्या था, वर्टिकली अपवर्ड, नहीं दूसरा मोशन क्या था, दूसरा मोशन है हमारा वर्टिकली अपवर्ड। अब इसमें देखो थ्रो ही होगा हमेशा, नहीं थ्रो ऑन वर्टिकली अपवर्ड बोलो या वर्टिकली अपवर्ड मोशन बोलो, एक ही बात है, क्योंकि बिना फेंके तो ऊपर जाने वाला है नहीं, मतलब इसमें तो पक्का इनिशियल वेलोसिटी जीरो ऐसे भी नहीं होगी। सिचुएशन जरा समझ ले इसमें ये होता है कैसे, सुनो ये एक ऑब्जेक्ट है जो कहां पे है, अर्थ पे, मान लो अर्थ के सरफेस पे। बोलोगे सर टावर से फेंक रहे हैं, बिल्कुल फेंक सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 10 मंजिला ऊपर बिल्डिंग से भी आप फेंक सकते हैं, फिलहाल हम लोग अर्थ से फेंक रहे हैं ठीक है, अर्थ से फेंक रहे हैं, अर्थ के सरफेस से फेंक रहे हैं। अर्थ के सरफेस से ऊपर अगर आपको फेंकना है तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी, एट टी इक्वल टू जीरो पे, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। और क्या होगा, आप जिस इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगे ना, ये उसी बात पे डिपेंड करेगा कि ये कितना ऊपर जाएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट कितना ऊपर जाने वाला है ये किस बात पे डिपेंड करेगा, आप किस वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहे हैं। ज्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे तो क्या होगा, ज्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे तो ज्यादा ऊपर तक जाएगा, कम वेलोसिटी से फेंकोगे तो कम ऊपर तक जाएगा, सीधा सा ये बात फील आता है हमको, हमने देखा भी है चीजों को ऊपर फेंक फेंक के, देखा कि नहीं देखा है, नहीं देखा तो आज जाके देखना ठीक है। तो मान लो ये जो हमने जितनी यू दी ना, वो यू से ये बस कुछ हाइट तक, मतलब एच हाइट तक ऊपर जा पाया, मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल किया एच, इसके बाद ये बेचारा क्या होगा, रुक जाएगा, नहीं पता है आपको ये बात, रुकता है, झूला झूला है ना, तो झूला जब ऊपर जाती है तो आपको महसूस होता होगा कि कुछ सेकंड के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए झूला रुकती है, फिर नीचे आती है। हमें नीचे आने वाला केस तो फिर वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया, हमें तो बस ऊपर जाने तक, वहां तक जाना है जहां तक जाने के बाद हम रुक ना जाए, आई बात समझ में। तो हम क्या किया, अच्छा 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 क्या है ना, तो ये अब आपको पता है कि ये जब मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा तो इस हाइट पे पहुंचने के बाद बाबू ये रुक जाएगी ना, रुका रुका कि नहीं रुका, रुका ना, कोई रुका नहीं ना, अपने आप रुका है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऊपर दीवार था इसलिए रुक गया। हाँ सुनो, फिर से बात सुनो, अगर मान लो ऊपर फेंक रहे हो और दीवार में लग के रुक गया, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी ना। फाइनल वेलोसिटी जीरो का मतलब ये होता है कि रोकने वाला कोई नहीं है, चुपचाप अपने मन से जब रुकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, जब रुका नहीं रे अपने आप रुका है। ऊपर जब गेंद को फेंकते हो तो वहां पे आसमान में कोई खड़ा रहेगा कि हाथ लगा देगा और रुक जाएगा? हाँ, अगर हाथ लगा देने के बाद कोई ऑब्जेक्ट अगर रुकी है तो वो रुकना रुकना नहीं, मतलब वो फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होता है। उस पॉइंट पे हम लोग हाइट पे फिर इक्वेशन ऑफ मोशन रखेंगे, फिर वी निकालेंगे। ये होता है मैक्सिमम हाइट जितना इसको अचीव करना है, वो अचीव करने के बाद ये रुकेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, और जनरली हर केस में ऐसा ही होता है। थोड़े आसमान में हम बंदा लगा रखे हैं कि तुम रुकना, हम गेंद फेंकेंगे, कैच कैच खेल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, होता होगा। सिचुएशन समझ पाई, फाइनल वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। अब बताओ ऊपर जाने में मोशन किधर है? ऊपर की तरफ। जी किधर लगता है? जी हमेशा नीचे की तरफ लगती है। तो बताइए जी का साइन क्या रखोगे प्यारे बच्चों? है बिल्कुल, मैं जी का साइन क्या रखोगे, हम फिर बार बार बोल रहे हैं, अगर ये जी का जो साइन है वो तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करता है, तुम्हारी मर्जी पर, मतलब हम मानेंगे कि यही है वर्टिकली अप मोशन, आई बात समझ में, और यही है वर्टिकली डाउन मोशन, ये तुम्हारी मर्जी, मतलब जी का साइन तुम्हारे मन पे डिपेंड करता है। लेकिन जब सीधी कन्वेंशन यही है कि ऊपर का मतलब ऊपर, नीचे का मतलब नीचे, तो काहे झूठ मूठ का कचरा पालें, आई बात समझ में। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया है कि तुम्हारे मन में वर्टिकल अप ऐसे था और सवाल में वर्टिकल अप ऐसे करके दिया, अभी तक नहीं देखा गया, इसलिए चर्चा नहीं करना इस बात पे, जानकारी के लिए बस आपको बता दिए।
वैसे कंसेप्ट आपको पता ही कि मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट होगा तो एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव होगा, बात खत्म हो गया। एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव, और कोई दिक्कत बोलो? नहीं ना, वेरी गुड। अब बताओ जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, ये ऊपर जाने का समय है कि नहीं है? अभी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, कोरोना काल चल रहा है अभी, अभी ऊपर जाने का समय नहीं हुआ। इसका हुआ है, इसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का समय। ठीक है, सब लोग अपना अपना टाइम ऑफ एसेंट बताओगे, 50 साल, 200 साल, इतना दिन जी के क्या करोगे? टाइम ऑफ एसेंट मतलब समझे, ऊपर जाने का समय। आइए इक्वेशन ऑफ मोशन पहला लिखें इसके लिए। भाई पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस एटी होता था, v क्या होगा? जीरो होगा, v जीरो हो गया। u का वैल्यू जीरो है? नहीं है। a का वैल्यू माइनस जी टी, मतलब u बराबर क्या आया? u बराबर जी टी, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखिएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो s की जगह पे h यूज करिए, और u तो u रहेगा ही, tt भी रहेगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो चलिए तीसरा क्या था हमारे पास, तीसरा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। v का वैल्यू जीरो कब होता है? जब a, ये वाला केस में v जीरो हो गया, u स्क्वायर माइनस टू जी एच, और यहां सॉल्व करिएगा तो यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो या h बराबर यू स्क्वायर बाय टू जी, ये बड़ा फेमस इक्वेशन है, याद रखिएगा, आपको पता है h बराबर यू स्क्वायर बाय टू जी, समझे? बोलो ना रे, वैसे जमाना नहीं है 2G का, लेकिन कोई बात नहीं, 2G है, ध्यान में रखिएगा। और यहां से बाबू ये टाइम का फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, ये टाइम का फॉर्मूला तो कम, ये वाला टाइम का फॉर्मूला याद रखना है, U बाय जी। आई बात समझ में? बहुत सुंदर, फटाफट छापो, छापिए। ये दो तरह के मोशन हमने देखे, वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, दोनों में सिचुएशन समझ में आया। तो जब भी आप मोशन अंडर ग्रेविटी पे सवाल बनाओ, अब इसमें छोटी छोटी बातें डिस्कशन के तौर पे होगी कि अगर मान लीजिए सर टावर से चढ़ के ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, है ना, किसी टावर से नीचे ड्रॉप करेंगे या किसी टावर के नीचे से थ्रो करेंगे, ये सब आप इसी में जो भी बातें होंगी वो अलग से डिस्कशन के एनालिसिस के तौर पे बातें होंगी। कंसेप्ट मिला जुला के इतना ही था, बस थोड़ा सा जी का प्लस माइनस वाली बात थी, और पूरी कहानी आपको पता है, जैसे हॉरिजॉन्टल में मोशन होता था वैसा ही इधर भी होगा, है ना। बस उसमें क्या था कि प्लस माइनस डिपेंड करता था सामने वाले पे, यहाँ पे प्लस माइनस फिक्स होगा। ठीक, ये सब सारी चीजें लगानी है तुम्हें, बस इतना ही रहेगा। अगले क्लास में मिलते हैं इसके सवालों के साथ और अगले एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए धन्यवाद, छुट्टी।